आज हम बनाएंगे स्पाइसी से जबरदस्त से रमजान स्पेशल आलू के कतले। तो ये बहुत ही मजे के बनते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही चटपट बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और कैसे बनाई जाती है। तो आलू लेंगे हम लोग आधा किलो और इनके हम लोगों ने कतले बना लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक कप हम लोग लेंगे ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन और इसे हम लोगों ने छान लिया। 1/4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 चम्मच हम लोग लेंगे नमक। आधा चम्मच हम लोग लेंगे चाट मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है होममेड तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए उधर मैंने लिंक दे दिया है। 1/2 टेबल स्पून यानी कि आधा चम्मच हम लोग लेंगे लाल मिर्च। तो इन सब चीज़ों की जरूरत होगी हमें आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सो ये बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और रमज़ान में ख़ास तौर में अफ्तारी में बहुत ही मज़ा आता है ये खाने का। तो आप अफ्तारी में बनाएं और ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हों और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ये वीडियो देख सकें। अच्छी तो है। सो हम लोग ले लेंगे बाउल और उसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। अल्लाह रहमान रहीम। अभी तीनों स्पाइसेस ऐड करेंगे, चाट मसाला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नमक, सुरख मिर्च। तो ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एकदम से आप लोगों ने सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना, उसे मिक्स करते जाना है हसबी ज़रूरत। सोवेज तकरीबन हम लोग इसे इतना लिक्विड कर लेंगे। तो तकरीबन 1 कप पानी मैंने ऐड किया, 1 कप पानी की ज़रूरत हुई थी। तो अब ये एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टफ़ पे यानी कि चूल्हे पे। सो बस एक प्याली हम लोग ले लेंगे ऑयल और इसे मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। सो बस हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ आलू के कतले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर डुबो देंगे कुछ इस तरीके से और फिर फ्राई करेंगे। तो आप लोगों ने ये जो बैटर हमने बनाया है इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना वरना ये चिपकेगा नहीं हमारे कतलों के साथ। तो अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह डालते जाएंगे और ज़बरदस्त से कतले पकते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 मिनट से हम लोग एक साइड से पकाएंगे और जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर पलटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कलर कितना ही ज़बरदस्त आया है, लाजवाब कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इस तरीके से हम लोग पलटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं हमारे आलू के कतले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम लोग डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो जी भी फ्राई हो जाएंगे तो फिर किसी भी डिश में निकाल लेंगे। तो जिनका कलर चेंज हो गया उसे हम लोग निकाल लेंगे और जो बाकी है उनको हम लोग फ्राई करते जाएंगे सेम प्रोसेस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरीके से किसी भी डिश में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसी तरीके से हम लोग फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो चलिए तब मिलते हैं जब हमारे सारे कत्ते फ्राई हो जाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।